चलिए तो हम पॉलिटिकल साइंस में जो है अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और पॉलिटिकल साइंस में जो है लोक प्रशासन चल रहा था, तो लोक प्रशासन का विकास, लोक प्रशासन का प्रशासन में विकास कैसे हुआ, इसका विकास किस रूप में हुआ, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन का जो है व्यवस्थित अध्ययन जो है का आरंभ जो है 18वीं शताब्दी में हुआ, 18वीं सदी के अंत में हुआ, 18वीं सदी के अंत में जो है हुआ। और उसके बाद में जो है उसी समय जो है 18वीं सदी में जो है जर्मनी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रिया तो वहाँ पर जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमर, कैम रल वाद, कैमरल वाद का जो है उद्भव हुआ, एक समूह हुआ कैमरल वाद। और कैमरल वाद का जो उद्देश्य था, तो इसका जो उद्देश्य था कि सरकारी मामलों में जो है व्यवस्थित प्रबंधन, इसका मेन उद्देश्य था। और इसके जो कैमरल वाद जो एक समूह है, तो इसके जो जनक थे, मतलब इसके जो है प्रतिष्ठित विद्वान जो नेता बोलते हैं, तो वो थे जॉर्ज जिनके, ये फैक्ट्स हैं, एग्जाम में पूछा गया है, जॉर्ज जिनके थे। तो वहाँ पर जो है कैमरल वाद में जो ये एक समूह था, तो इसके द्वारा आवाज़ उठाया गया कि सरकारी मामला जो है तो उसमें व्यवस्थित प्रबंधन किया जाए, व्यवस्थित प्रबंधन किया जाए। और ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो है ऐसा ऐसा समूह बना जिसे हम बोलेंगे कैमरल वादी समूह, कैमरल वादी समूह। और इसके नेता जो थे या इसके प्रतिष्ठित विद्वान जॉर्ज जिनके थे, तो इनके द्वारा ये शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद में जो है अमेरिका में, इसके बाद जो है अमेरिका में वही प्रशासन का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले उसके बाद जो है अमेरिका में, तो अमेरिका में जो है एक महोदय हैं, पहली बार उन्होंने, उनका नाम है एलेक्जेंडर हैमिल्टन, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर हैमिल्टन। तो एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो है लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्यों को जो है परिभाषित किया। और इनकी जो बुक थी, एलेक्जेंडर हैमिल्टन की बुक थी द फेडरलिस्ट पेपर, तो द फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट पेपर में जो है इनकी ये बुक थी। और इसी में जो है इन्होंने लोक प्रशासन के अर्थ और उद्देश्य को जो है परिभाषित किए, अमेरिका के हैं ये, तो पहली बार ये ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में जो है लोक प्रशासन पर जो है पहला, लोक प्रशासन पर जो है पहला पृथक शोध जो है, पृथक शोध किए, उनका नाम था चार्ल्स, चार्ल्स जा बोनिन। इन्होंने जो है लोक प्रशासन पर पृथक शोध किए। और इनके भी, इन्होंने उसी समय एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये इनकी एक बुक थी। लेकिन अब कुछ विचारक हैं महत्वपूर्ण, जैसे साइमन, तो साइमन ने जो है लोक प्रशासन का विकास, उन्होंने कहा लोक प्रशासन का प्रशासन में विकास कैसे हुआ, तो उन्होंने, साइमन ने कहा कि जब दो व्यक्ति जो है संगठित होकर एक पत्थर को ढकेलना प्रारंभ किए, तभी से प्रशासन की शुरुआत हो गई। ऐसा किसने कहा, साइमन ने, एग्जाम में पूछा गया ये। अब देखिए लोक प्रशासन शब्दावली जो है, लोक प्रशासन शब्दावली जो है, तो ये सबसे पहले प्रयोग जो है किए हैमिल्टन ने, सबसे पहले प्रयोग की अगर बात करें तो हैमिल्टन ने किया, सबसे पहले प्रयोग हैमिल्टन ने किया, हैमिल्टन। और इनकी बुक जो है द फेडरलिस्ट पेपर है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और हैमिल्टन जो है कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वतंत्र विषय मतलब एक लोक प्रशासन स्वतंत्र विषय होना चाहिए, तो इसको जो है
स्वतंत्र विषय के रूप में किसने स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करना का करने का श्रेय जो है वुड्रो विल्सन को जाता है, वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन एक महोदय हैं तो उनको जाता है कि लोक प्रशासन एक अलग विषय है, स्वतंत्र विषय है, उन्होंने ही कहा। और वुड्रो विल्सन का कहना है संविधान का निर्माण करना तो आसान है लेकिन उसका क्रियान्वयन करना आसान नहीं है, ये वुड्रो विल्सन ने कहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो लोक प्रशासन का प्रशासन के रूप में विकास तो हुआ लेकिन इसके उद्भव के चरण क्या हैं, उद्भव के चरण कैसे से कैसे इसका जो है उद्भव के चरण क्या हैं, उद्भव के चरण देखते हैं, उद्भव के चरण ये देखते हैं। हाँ, तो इसमें एक हैं विचारक हैं निकोलस हेनरी। तो इन्होंने जो है लोक प्रशासन के विकास को जो है पांच चरणों में विभाजित किए। और उसमें सबसे पहला चरण जो है राजनीति प्रशासन का द्विभाजन। ये पहला जो है शुरुआत जो हुआ राजनीति प्रशासन का द्विभाजन, मतलब प्रशासन को जो है राजनीति से अलग किया गया, द्विभाजन। और समय इसका रहा 1887 से 1926, इसके बीच में जो है राजनीति का जो है प्रशासन से द्विभाजन किया गया, अलग किया गया। अब देखिए तो पहला चरण जो है 1887 में जो हेनरी निकोलस हेनरी ने बताया कि सबसे पहले जो है पांच चरणों में इसको विभाजित किया गया और इसमें पहला जो शुरू हुआ राजनीति प्रशासन का द्विभाजन 1887 में। तो 1887 में ही वुड्रो विल्सन का लेख जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन ने जो है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है उन्होंने नींव रख दिया, वुड्रो विल्सन ने जो है नींव रखा कि जो है लोक प्रशासन को जो है राजनीति से अलग कर किया जाए, लोक प्रशासन जो है उसको जो है राजनीति से अलग किया जाए। क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि प्रशासन जो है व्यापार का विषय है, जबकि प्रशासन जो है व्यापार का विषय है और राजनीति जो है, तो इसीलिए जो है प्रशासन अगर व्यापार का विषय है तो हमें जो है प्रशासन को जो है राजनीति से अलग करना चाहिए, ये वुड्रो विल्सन ने कहा अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। अब इसी में एक विचारक आते हैं और यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो वुड्रो विल्सन है तो इनको जो है लोक प्रशासन का पिता कहा गया है इसीलिए। अब एक विचारक और आते हैं, इन्होंने भी जो है राजनीति प्रशासन द्विभाजन में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनका नाम है फ्रैंक जे गुडनाउ। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने जो वुड्रो विल्सन की विचारधारा थी इसको आगे बढ़ाया और इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक में जो है, इस पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन और ये 1900 में जो है लिखी गई। और इसमें इन्होंने कहा कि जो राजनीति है तो राजनीति जो है राज्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है, इच्छा की प्रतिनिधित्व करती है, जबकि प्रशासन का संबंध जो है उसके क्रियान्वयन से है, ये फ्रैंक जे गुडनाउ ने बताया। और इसीलिए जो है फ्रैंक जे गुडनाउ को जो है अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो दोनों चीज़ याद रखना, वुड्रो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है लेकिन फ्रैंक जे गुडनाउ को जो है अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब देखिए लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस पर पहली बुक कौन सी लिखी गई, ये सभी लोग पहले अपनी अपनी बुक लिखे
जैसे वुड्रो विल्सन ने अपना बुक लिखा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रैंक जे गुडनाउ ने जो है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ये बात बताए कि जो है प्रशासन को जो है राजनीति से अलग कर देना चाहिए अपने बुक में। लेकिन पहली बार जो है लोक प्रशासन की पहली रचना कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है इंट्रोडक्शन 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 टू द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसको लिखे हैं एल डी व्हाइट ने सबसे पहले जो है लोक प्रशासन पर जो है पहली रचना लिखे, और 1926 में। इधर देखिए लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट है ये, आएगा एग्जाम में। इंट्रोडक्शन 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 टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो इसको लिखे हैं, पहली रचना लिखी गई लोक प्रशासन पर एल डी व्हाइट ने लिखा 1926 में। ये एग्जैक्ट याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। तो इसलिए जो है लोक प्रशासन को जो है राजनीति से अलग किया गया, और इसमें दो ही विचारक का महत्वपूर्ण योगदान है। एक है बुड्रो विल्सन और दूसरे हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। ये ठीक है, और इनको जो है वुड्रो विल्सन को जो है लोक प्रशासन का पिता कहा गया है, और फ्रैंक जे गुडनाउ को जो है अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा गया है। अब हम देख लेते हैं वुड्रो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन को राजनीति से अलग माना है। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन जो है प्रशासन को जो है राजनीति से अलग किया, प्रशासन को जो है राजनीति से अलग किया, कहा ये राजनीति से अलग होना चाहिए। और उन्होंने इसके लिए तर्क दिया, उन्होंने कहा, सीधा कहा कि जो राजनीति का सरोकार जो है, राजनीति का सरोकार राजनीति हमेशा क्या होता है, राजनीति का सरोकार नीति निर्माण से है, नीति निर्माण से, कोई नीति निर्माण करना ये राजनीति का काम है। लेकिन इस नीति निर्माण को जो है क्रियान्वयन कौन करेगा, प्रशासन करेगा। इसीलिए जो है इन्होंने राजनीति और प्रशासन को द्विभाजन किया, अलग किया। ठीक है, अब विल्सन जो हैं, अब जो वुड्रो विल्सन हैं, तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने प्रशासन को जो है व्यापार के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि जो लोक प्रशासन है ये व्यापार का क्षेत्र है, और वुड्रो विल्सन ये भी मानते हैं कि प्रशासन एक विज्ञान है, ये वुड्रो विल्सन ये भी मानते हैं। हाँ, अब देखिए वुड्रो विल्सन ने जो है लोक प्रशासन के पृथक अध्ययन पे जोर दिया और तर्क दिया। पहले भी हम बात कर चुके हैं, तर्क दिया कि संविधान का निर्माण करना तो आसान है, परंतु उसे लागू करना या उसका क्रियान्वयन करना बहुत ही टफ है। ठीक है, ये अब हम बात करते हैं फ्रैंक जे गुडनाउ, दो ही विचारक हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं इसमें। गुडनाउ दो तीन बार इसीलिए हम डिस्कस करते रहते हैं क्योंकि ये अच्छे से याद हो जाएं। तो इन्होंने जो है 1900 में, फिर इनकी बुक की हम बात करते हैं, 1900 में अपनी बुक लिखी है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्हें जो है अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। अब गुडनाउ के शब्दों में जो है हम देखते हैं कि राजनीति को उन्होंने नीतियों की अभिव्यक्ति से कहा कि राजनीति नीतियों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों को लागू करना, मतलब वुड्रो विल्सन और जो है फ्रैंक जे गुडनाउ जो है लगभग में एक ही बात बोले हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं।
हाँ, अब दूसरा जो है, अब इसमें हम बात करते हैं उद्भव के चरण में जो है, 5 चरण थे। तो पहला हम देख लिए हैं राजनीति, राजनीति प्रशासन का द्विभाजन। अब दूसरा जो है प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का काल, प्रशासनिक प्रशासनिक सिद्धांतों। अब प्रशासनिक देखिए, पहले क्या हुआ, राजनीति से प्रशासन अलग हुआ, उसके बाद में सिद्धांतों के निर्माण का काल, सिद्धांत का निर्माण किया गया, मतलब कि प्रशासन के सिद्धांत क्या क्या होंगे। और इस 1927 से लेकर के 1937 के बीच जो है प्रशासनिक सिद्धांत, जो उसके सिद्धांत हैं, उसके निर्माण किया गया, कुछ थ्योरी का निर्माण किया गया। हाँ, तो इसके जो है, अब प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण काल को जो है हम लोक प्रशासन का स्वर्णकाल भी कहते हैं। स्वर्णकाल पूछा गया है, ये स्वर्णकाल कहते हैं। हाँ, अब इस समय जो है, इसके मतलब जो सिद्धांत का निर्माण किए इस समय कौन थे, तो विचारक इम्पोर्टेंट होते हैं वही, फिर हेनरी फियोल, हेनरी फियोल, बिलोबी, बिलोबी, मैरी पार्कर, मैरी पार्कर, फॉलेट, मैरी पार्कर, फॉलेट, मोने व रैले, मोने व रैले, और हैं लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, लूथर गुलिक, उर्विक। तो ये विचारक जो हैं प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किए आदि, मतलब और बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विचारक ये हैं, हेनरी फियोल, बिलोबी, मैरी पार्कर, फॉलेट, मोने व रैले, लूथर गुलिक। तो इन विचारकों ने जो है प्रशासनिक सिद्धांतों का निर्माण किया। और इस चरण में जो है, इस चरण में मतलब प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण काल को जो है हम स्वर्णकाल बोलते हैं। और इसी चरण में जो है लोक प्रशासन को विज्ञान माना गया है। लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसी चरण में माना गया। और इस चरण का जो है काल था 1927 से 1937, 10 साल जो है सिद्धांत के निर्माण होने में समय लगे। हाँ, यह चरण मतलब ये जो चरण है 1927 में जो है डब्ल्यू एफ विलोबी जो हैं, तो उनकी एक पुस्तक है प्रिंसफिल्स, प्रिंसफिल्स, प्रिंसफिल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये बिलोबी की पुस्तक है, और इसी में जो है इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों का जो है प्रकाशन किया, बताया कि क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। तो बिलोबी ने जो है अपने पुस्तक में कहा, प्रशासन के जो है अनेक सिद्धांत हैं, प्रशासन के जो है अनेक सिद्धांत हैं, अनेक सिद्धांत। बिलोबी ने कहा कि प्रशासन के जो है बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसको क्रियान्वयन करने के लिए लोक प्रशासन में, जिसको मतलब, और इस इन सिद्धांतों के द्वारा जो है लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। जैसे, और इसीलिए जो है बिलोबी और अन्य विचारक जो हैं, तो ये मानते हैं कि प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण, प्रशासन में सिद्धांत होने के कारण यह एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में भी जो बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, तर्क होते हैं। ठीक है, हाँ। अब हेनरी फियोल, हेनरी फियोल देखते हैं, हेनरी फियोल, तो इन्होंने सिद्धांत दिया है, इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है, याद रखना जरूरी है, जेनरल, जेनरल, जेनरल एंड इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, 1949 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। हाँ, लूथर गुलिक और उर्बिक, उर्बिक के एक, दोनों लोग एक मिल के एक बुक लिखे हैं, उसका नाम है पेपर्स, पेपर्स ऑन द साइंस, साइंस, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 1937 में जो है लिखा गया। तो इसमें जो है, इस समय जो है लोक प्रशासन जो है
जो सिद्धांत हैं इसके अपने चरम काष्ठा पर पहुंच गए थे। और उन्होंने कहा कि इस शोध पत्र की जो है सामान थीसिस ये है कि मानव संगठन के अध्ययन द्वारा ऐसे सिद्धांतों पर अज्ञानात्मक तरीके से पहुंचा जा सकता है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया जो किसी भी प्रकार के मानव संबंधों की व्यवस्थाओं को जो है नियमित करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण ये हैं। अब इनके हम कुछ महत्वपूर्ण बुक देख लेते हैं जो इस चरण में जो है जो प्रशासनिक सिद्धांत के निर्माण में जो है काल जो माना गया है प्रशासनिक सिद्धांत के निर्माण में जो है कौन कौन की पुस्तकें लिखी गई, तो वही बिलोबी जो विचारक हैं तो इनकी जो पुस्तक है देख लेते हैं। एग्जाम में पूछे गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये, और मैरी पार्कर फॉलेट। बस इनके बुक इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन्होंने जो है प्रशासनिक सिद्धांत पर जो है बुक लिखे हैं क्रिएटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये लिखी गई बुक जो है 1930 में। अब मूने व रीले लोक प्रशासनिक सिद्धांत पर जो है इन्होंने बुक लिखा है जो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ये लिखे गए 1931 में। हाँ, अब देखिए इसके बाद में जो है, अब देखिए पहले सबसे पहले क्या हुआ, लोक प्रशासन का जो है राजनीति से विभाजन किया गया। उसके बाद में जो है प्रशासनिक सिद्धांत का निर्माण किया गया। अब प्रशासनिक सिद्धांत का निर्माण जब किया गया तो बहुत सारे विचारक जो हैं अपने अपने सिद्धांत रखे। तो सिद्धांत जब रखे हैं तो कुछ चुनौती तो उनको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, ये सिंपल सा बात है। तो इसके बाद जो है युग शुरू होता है चुनौती का युग। अब सिद्धांत दिए उसके बाद चुनौती का युग। अब सिद्धांत बनाए तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो आएंगी। कुछ सिद्धांत सही होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ विचारक बोलेंगे इन्होंने ये गलत तर्क दिया। तो ये 1938 से लेकर के जो है 1947 तक ये चला, ये भी लगभग में 9-10 साल चले। और इस चरण की शुरुआत जो है एक विचारक हैं चेस्टर ई वर्नार्ड। विचारक के बुक पुस्तक बहुत आते हैं विचारक, तो इनकी जो पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1968 में जो है प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से जो है चुनौतियों का युग प्रारंभ हुआ इनकी पुस्तक से। और इनकी पुस्तक का पुस्तक ये चेस्टर ई बर्नार्ड और इनकी पुस्तक है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इसमें उन्होंने और इस पुस्तक में जो है चेस्टर ई बर्नार्ड जो हैं तो इन्होंने फिर जो है प्रशासन की किसी भी सिद्धांत का उल्लेख किया ही नहीं, किसी भी सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया। अब इसी चरण में जो है एक विचारक और हैं, उनका नाम है एल्टन मेयो। अब एल्टन मेयो ने जो है अनौपचारिक संगठन पे बल दिए, अनौपचारिक संगठन पे नहीं। अब देखिए प्रशासन एक सिद्धांत, अगर सिद्धांत के रूप में माने हैं तो औपचारिक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अनौपचारिक संगठन पे जोर दिया, अनौपचारिक संगठनों पर जोर दिया एल्टन मेयो। तो ये पूछ सकता है अनौपचारिक संगठन में किसने जोर दिया, एल्टन मेयो। अब इसी में एक विचारक और आते हैं रॉबर्ट डाल। तो इनकी भी एक बुक है द साइंस ऑफ पब्लिक
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, और ये लिखी गई 1947 में, मतलब प्रकाशित हुई। और इसमें जो है इन्होंने इस बात का खंडन किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत निर्माण में, सिद्धांत निर्माण में तीन बाधाओं का उल्लेख किया। रॉबर्ट डाल जो हैं द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये एक्सेप्ट किया कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है, लेकिन लोक प्रशासन का जो सिद्धांत बनाया गया है उसमें तीन बाधाएं हैं, उसका उल्लेख उन्होंने किया। देखते हैं तीन बाधाएं क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि विज्ञान जो है, विज्ञान, विज्ञान का मूल्य जो है, विज्ञान का मूल्य शून्य है, विज्ञान का मूल्य शून्य है, परंतु जो है प्रशासन का मूल्य, प्रशासन जो है मूल्यों का बाहुल्य है, प्रशासन जो है प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य है, मूल्यों का बाहुल्य है, बाहुल्य है। ये रॉबर्ट डाल ने बताया, क्योंकि उन्होंने इसलिए प्रशासन जो है मूल्यों का बाहुल्य है क्योंकि मनुष्य के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, मनुष्य का जो व्यक्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, व्यक्तित्व अलग अलग होता है, जिससे उनके कार्यों में भिन्नता आती है। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन जो है सामाजिक ढांचे में काम करता है, प्रशासन जो है सामाजिक ढांचे में काम करता है, प्रशासनिक ढांचे में कार्य करता है जो सभी जगह समान नहीं हो सकता है। इसीलिए जो है विज्ञान मूल्य शून्य है जबकि प्रशासन मूल्यों का बाहुल्य है। इन्होंने ये तीन तर्क दिए, ठीक है। इसीलिए हम इसमें देख सकते हैं कि जो चुनौती का युग है, तो इस चरण में जो है मुख्य विषय यह था कि लोक प्रशासन के अध्ययन के मानव संबंध व व्यवहार उपागम की जो है वकालत करना, ये इसका जो है मुख्य विषय था कि जो है लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाए, उसके साथ साथ जो है मानव संबंध और उनके जो व्यवहार हैं उसके उपागम की जो है वकालत किया जाए, ठीक है, कि मनुष्य का व्यक्तित्व अलग अलग है जिससे उनके कार्यों में भिन्नता आती है। ठीक है, सिद्धांत बनाए गए हैं लेकिन एक ही सिद्धांत सभी व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकते हैं, तो इन सब सारी चुनौतियों का जो है सामना किया गया, ठीक है। हाँ, अब जो है हम देखते हैं एल्टन मियो जो हैं, तो एल्टन मियो के जो है हार्थोन अध्ययन जो है इनका, हार्थोन अध्ययन वर्ष 1924 से 1932 में जो है ये बताया गया। हार्थोन अध्ययनों में संगठनात्मक प्रभाविता का निर्धारण करने में अनौपचारिक संगठन का महत्व क्या है दिखाया गया। तो ये हार्थोन अध्ययन जो है ये किससे संबंध रखता है, तो एल्टन मेयो से। भाई इतनी चीज़ें याद रखना, इसमें यही बताया गया है कि जो संगठनात्मक प्रभाविता जो है, तो इसके निर्धारण में जो है अनौपचारिक संगठन का महत्व क्या है ये दिखाया गया है हार्थोन अध्ययन में। ये एल्टन मेयो से संबंध है इसका, बस एक बार मैचिंग में आ गया था ये क्वेश्चन इसीलिए। हाँ, अब हमें एक और विचारक हैं हर्बर्ट, ये इसी में हम बात कर रहे हैं, अभी चुनौतियों के युग में ही बात करते हैं। हर्बर्ट ए फाइमन, तो हर्बर्ट ए फाइमन जो है प्रशासन के सिद्धांत जो बनाए गए उसके सबसे बड़े आलोचक हर्बर्ट ए फाइमन ही हैं। उन्होंने इनको कहावत कहा, जो मतलब प्रशासनिक सिद्धांत बनाए गए, तो इन्होंने कहा कि ये सब कहावत है, ठीक है। उन्होंने लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक प्रशासन बनाने के लिए व्यवहार संबंधी उपागम पर जो है बात की, व्यवहार संबंधी उपागम की वकालत किया इन्होंने और अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि जो है लोक प्रशासन को और अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहिए और अधिक वैज्ञानिक होना चाहिए और व्यवहार संबंधी उपागम के द्वारा ही ये संभव हो सकता है। इसीलिए वर्ष 1946 में जो है इन्होंने अपनी पुस्तक अपनी पुस्तक द
प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो प्रशासनिक सिद्धांत बनाए गए थे उसकी जो है उन सिद्धांतवादी दृष्टिकोणों की जो है खिल्ली उड़ाई और उसे जो है मुहावरों एवं किद्वंतियों की संज्ञा दिए। तो ये इनकी बुक है। पूछ सकता है कि जो है प्रशासनिक सिद्धांत का जो है कौन से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई, सबसे बड़े आलोचक थे। तो इनकी जो बुक है द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और लिखा है हार्वर्ड फाइमन ने 1946 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। फिर उसके एक साल बाद जो है हार्वर्ड साइमन ने जो है पहले तो किसकी खिल्ली उड़ाए, लोक प्रशासन सिद्धांत की खिल्ली उड़ाए। फिर लेकिन उन्होंने फिर ये भी बताया 1947 में जो है अपनी एक बुक और लिखे, अपनी उस पुस्तक में जो है इन्होंने लिखा। इस पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, लिख देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। लिख लिया आप लोग? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रकाशित किए। और उन्होंने फिर इसी बुक में जो है कहा कि जो सिद्धांत उपागम है, जो प्रशासनिक सिद्धांत थ्योरी का निर्माण किया गया है, सिद्धांत उपागम है, तो उसके जगह पर जो है सिद्धांत उपागम के विकल्प के रूप में जो है उन्होंने कहा कि निर्णय निर्माण उपागम पर जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने बोला। और जो है हर्बर्ट साइमन ने राजनीतिक प्रशासन द्वैधता को जो है खारिज किया और लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए अनुभाविक उपागम पर सुझाव दिए। ये इन्होंने किया, हर्बर्ट साइमन। हाँ, अब उसके बाद में फिर 1947 में ही जो है 1947 में जो है रॉबर्ट ए ढाल, तो इन्होंने जो है एक लेख लिखा, उस लेख का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर थ्री प्रॉब्लम्स, वही पहले भी हम बात कर चुके हैं, तीन प्रॉब्लम की इन्होंने बात किया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी और ये बुक जो है इन्होंने अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में जो है प्रकाशित किए। और रॉबर्ट डहल ने तर्क दिया और उन्होंने तर्क ये दिया कि जो लोक प्रशासन में जो है विज्ञान का उद्भव तब तक नहीं हो सकता है जब तक आदर्शवादी मूल्यों का जो स्थान है उसको स्पष्ट नहीं किया जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो है मनुष्य की प्रकृति को बेहतर तरीके से नहीं समझा जाता है और एक तुलनात्मक अध्ययनों का संग्रह होता ही नहीं है, जिससे
उन सिद्धांतों और समानताओं को खोजा जा सके। ठीक है, ये बात उन्होंने बोला। अब रॉबर्ट डहल जो हैं ये भी कहते हैं कि जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता नहीं है, लोक प्रशासन का अध्ययन जो है तुलनात्मक नहीं है, तब तक लोक प्रशासन के विज्ञान के दावे खोखले प्रतीत होते हैं। ठीक है, ये इन्होंने रॉबर्ट डहल ने ये बात बोला। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। अब यहाँ से जो है चुनौती का काल ख़त्म हो गया, लोक प्रशासन का जो है चुनौती मिला, ये सब तर्क हुए, उस पर ठिल्लियाँ उड़ाई गई। उसके बाद में फिर वहाँ पे क्या होगा, अब जब यहाँ पे ये हुआ, एक बार जो है सिद्धांत बनाए गए फिर उसकी खिल्लियाँ उड़ाई गई, तो वहाँ पे ये समस्या आया, पहचान कैसे किया जाए लोक प्रशासन में क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो पहचान और संकट का काल जो है यहीं से प्रारंभ हो गया, 1948 से 1970 तक ये चला। पहचान हुआ संकट का काल, संकट का काल। तो ये है चौथा, ये फोर्थ है। निकोलस हेनरी के अनुसार जो है ये चौथा जो है चरण है। हाँ, अब वही फिर रिव्यू लेते हैं। पहले द्विभाजन हुआ, फिर सिद्धांत का निर्माण हुआ, फिर चुनौतियाँ मिली, चुनौती का काल रहा। अब फिर उसके बाद जो है पहचान और संकट का काल जो है सामना करना पड़ा लोक प्रशासन को। अब इसी समय जो है, इसी चरण में जो है, वैश्विक तथा सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में जो है लोक प्रशासन की जो प्रासंगिकता है उसको खोजे जाने लगी, क्या इसकी प्रासंगिकता हो सकती है। इसी समय जो है राजनीति और प्रशासन में कुछ विद्वानों ने जो है अलगाव को नकार दिया तथा राजनीति के माध्यम से ही प्रशासन का अध्ययन करने लगे, जबकि कुछ विद्वान जो हैं लोक प्रशासन के अध्ययन को बनाए रखे। और फिर जो है पूर्व के प्रशासनिक सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर जो है प्रश्न उठाया गया। इसी समय जो है एशिया और अफ्रीका में जो देश जो हैं, एशिया और अफ्रीका में कुछ देश जैसे भारत आज़ाद हुआ था, तो इसने जो है जो पुराने प्रशासनिक सिद्धांत थे उस पर प्रश्न उठाने लगे। इस संकट से बचने के लिए लोक प्रशासन में जो है कल्याण प्रशासन, व्यापार प्रबंधन, आर्थिक ढांचे का प्रशासन इत्यादि को सम्मिलित कर लिया गया। मतलब अब यहाँ पे पहचान कर लिया गया, भारत उस समय आज़ाद हुआ उसके सामने भी चुनौतियाँ हुई, तो अफ्रीका और एशिया में जैसे, तो इसी समय जो है कल्याण प्रशासन, अब एक शब्द आया कल्याण प्रशासन ये शुरू हो गया। फिर जो है व्यापार प्रबंधन, वही हम अभी बात कर चुके हैं, आर्थिक ढांचे को सम्मिलित किया गया। ठीक है, पहचान के रूप में अब पहचान के किया जाने लगा कि क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए लोक प्रशासन में। तो वही फिर रिपीट कर देते हैं, कल्याण प्रशासन, व्यापार प्रबंधन, आर्थिक ढांचे का प्रशासन इत्यादि को जो है शामिल किया जा गया। और इस समय जो है जो विचारक, अब फिर वही विचारक की बात करेंगे, तो विचारक जो फ्रेडरिक रिगस और दूसरे जो हैं डगलस मार्क ग्रेगर, ये महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए जहाँ पर पहचान और संकट काल की बात किया जाएगा, वहाँ पर कल्याण प्रशासन, व्यापार प्रबंधन, आर्थिक ढांचे का प्रशासन, इन्हीं की बात किया जाएगा। और इसमें फ्रेडरिक रिगस और डगलस मार्क गेगर, तो ये दोनों विचारक इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब कुछ विद्वान जो है राजनीति विज्ञान की तरफ लौट गए और कुछ जो है प्रशासनिक विज्ञान की ओर बढ़े। वही दोनों ही मामले में जो है लोक प्रशासन ने अपनी अलग पहचान और भिन्नता खो दिए, ये चीज समस्या हुआ। फिर 1956 में जो है, 1956 जो महत्वपूर्ण है उसको हम लिख दे रहे हैं, बाकी हर चीज़ हम लिख नहीं सकते हैं, टाइम कम रहता है। 1956 में जो है एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन साइंस, क्वार्टरली, क्वार्टरली पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ, और इसी प्रयास में जो है लोक प्रशासन को अपना निजी स्वरूप खो देना पड़ा और इसे व्यापार प्रबंधन की ओर बढ़ना पड़ा। ठीक है, मतलब इसका जो प्रकृति था लोक प्रशासन का, ये खत्म हो गया। और इसी समय जो है, जैसे 1956 में एक लेख लिखा गया एडमिनिस्ट्रेशन साइंस क्वार्टरली, इसी समय जो है जो प्रशासनिक लोक प्रशासन, ये धीरे धीरे जो है व्यापार प्रबंधन की ओर बढ़ने लगा। ठीक है, अब फिर पचवा आया नवीन लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन। अब यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं, खूब बने हैं क्वेश्चन, और ये 1971 से जो है शुरू हुआ, 1971 से, और वर्तमान में जो है ये जारी है। ठीक है, अब इसको अच्छे से देखते हैं। और इस चरण का मुख्य विषय जो है लोक नीति विश्लेषण, लोक नीति, जो लोक नीति है विश्लेषण, लोक नीति विश्लेषण का सरोकार। ठीक है, लोक नीति मतलब जनता के लिए क्या नीति बनाया जाए, ये। अब नवीन लोक प्रशासन में जो है जो विद्वान है, तो वो नीति विज्ञान, नीति विज्ञान, नीति विज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, और नीति निर्माण, नीति विज्ञान है, नीति निर्माण है, फिर राजनीतिक अर्थशास्त्र, नवीन लोक प्रशासन में ये चीज़ें शुरू हो गई। और नीति विश्लेषण, नीति विश्लेषण, इन संबंधों में जो है, इन क्षेत्रों में जो है, संबंधित क्षेत्रों में जो है विद्वान अपनी रुचि दिखाने लगे। जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं वो नीति विज्ञान, राजनीतिक अर्थशास्त्र, नीति निर्माण, नीति विश्लेषण के संबंधों में जो है संबंधित क्षेत्रों में अपना रुचि दिखाना शुरू कर दिए, और इसी को जो है हम नवीन लोक प्रशासन बोलते हैं। और इसी समय एक विचारक हैं, उनका नाम है ड्वाइट, ड्वाइट वाल्डो, ड्वाइट वाल्डो। तो ड्वाइट वाल्डो ने कहा जो है कि राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। मतलब इनके कहने का मतलब है ये मंच, जो द्विभाजन है ये खत्म हो चुका है। राजनीति और प्रशासन के बीच जो पृथक्करण है एक घिसा पिटा मंच बन चुका है। ये किसने कहा? ड्वाइट वाल्डो। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो है, भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जो है लोक प्रशासन का, भारत में लोक प्रशासन का अध्ययन, का अध्ययन, ठीक। तो ये जो है सबसे पहले 1930 में जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है लोक प्रशासन, लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जो है, लोक प्रशासन प्रश्न पत्र जुड़ा, प्रश्न पत्र जुड़ा, ठीक। उसके बाद जो 1937 में जो है, 1937 में जो है मद्रास विश्वविद्यालय ने जो है विश्व लोक प्रशासन पर एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है शुरू किया, डिप्लोमा, मद्रास विश्वविद्यालय ने डिप्लोमा, ठीक। और उसके बाद में 1949 से और 50 में जो है नागपुर विश्वविद्यालय ने लोक प्रशासन और स्थानीय सरकार विभाग की स्थापना की, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है लोक प्रशासन के जो विकास हुए हैं उसको हम देखें। अब हम एक बार रिव्यू ले, हाँ, जो अभी तक हम देखें इसको रिव्यू लेते हैं एक बार, क्या हम देखे हैं, ठीक है। तो देखिए, लोक प्रशासन का विकास जो है सबसे पहले 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ। और उसी से जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो है कैमरल, कैमरल वाद, कैमरल वाद जो है
कैमरलवाद एक समूह बना और उसके जो है विद्वान थे जॉर्ज जिनके, तो ये जो हैं विद्वान थे, तो इनके द्वारा जो है आवाज़ उठाया गया कि सरकारी मामलों में जो है व्यवस्थित प्रबंधन होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अमेरिका में पहली बार अलेक्जेंडर हैमिल्टन उनकी जो पुस्तक है द फेडरलिस्ट पेपर्स में लोक प्रशासन के अर्थ व उद्देश्य को जो है प्रकाशित किए। ठीक है, उसके बाद में जो है लोक प्रशासन का पहला पृथक शोध चार्ल्स जा बोनिन और उनकी जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1812 में जो है शुरू किए। उसके बाद जो है साइमन ने कहा कि जब दो व्यक्ति संगठित होकर एक पत्थर को ढकेलना शुरू किए तो उसी समय जो है प्रशासन की शुरुआत हो गई, ये साइमन बोले। उसके बाद में इसकी शब्दावली की बात करेंगे। शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग जो है हैमिल्टन ने किया और अपनी एक बुक है उसमें प्रकाशित उन्होंने किया। उस बुक का नाम है द फेडरलिस्ट पेपर और लोक प्रशासन को जो है एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किए। इसका श्रेय जो है वुड्रो विल्सन को हो जाता है और वुड्रो विल्सन जो हैं लोक प्रशासन के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, अब उद्भव के चरण की अगर हम बात करते हैं तो निकोलस हेनरी जो है लोक प्रशासन के विकास को 5 चरणों में विभाजित किया। उसमें पहला सबसे था राजनीतिक प्रशासन का द्विभाजन 1887 से 1926। उसके बाद में दूसरा था प्रशासनिक सिद्धांतों के निर्माण का काल 1927 से 1937, 10 वर्ष रहा। फिर उसके बाद में जो है चुनौती का युग रहा 1938 से 1947। उसके बाद में जो है पहचान और संकट का काल रहा 1948 से 1970 के बीच में। फिर जो है नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ 1971 से वर्तमान तक। और भारत में जो है लोक प्रशासन का अध्ययन कैसे किया गया, तो ये हम लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसको देखे हैं। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे लोक प्रशासन के अध्ययन के जो उपागम हैं उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।